स्टूडेंट गया था तो मैंने वहाँ ऐसे कुछ बताया नहीं और बाद में टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ओवरव्यू में देखेंगे वी नोटिस इन द प्रीवियस चैप्टर हमने प्रीवियस चैप्टर में नोटिस किया द डेमोक्रेसी द रूल्स आर नॉट फ्री फॉर व्हाट दे लाइक मतलब कैसे ये डिफर नहीं करते कि कौन किसको क्या चीज़ पसंद करती है एंड देयर आर सर्टेन बेसिक रूल कुछ बेसिक रूल हैं दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू बी फॉलो जैसे गवर्नमेंट और सिटीजन को फॉलो करने पड़ते हैं ऑल द सच रूल्स आर टुगेदर आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री इसे सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री भी कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिटरमाइन द राइट ऑफ द कल्चर सिटीजन इसे राइट ऑफ सिटीजन भी कहा जाता है द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ टू द गवर्नमेंट शुड बी फंक्शन मतलब गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करती है एंड दिस चैप्टर आस्क टू सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को जिस चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वाई डू वी नीड हमें इनकी आवश्यकता क्यों है द कॉन्स्टिट्यूशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्या है हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड हु डिजाइन देम इसे डिज़ाइन किसने किया एंड इन व्हाट वे किन वेज पर व्हाट आर द वैल्यूज और शेप इन वैल्यूज की क्या वैल्यू है इन शेप की क्या वैल्यू है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट एंड वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक द चेंजेस लेटर द रिक्वायरमेंट बाय द चेंजिंग द कंडीशन मतलब कंडीशन के ऊपर चेंज करता है वंस रिसेंट द इंस्टेंस डिजाइन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट द साउथ अफ्रीका बिगेन टू द चैप्टर बाय द लुकिंग इन व्हाट हैपन देयर एंड हाउ टू द साउथ अफ्रीकन वर अबाउट द टास्क फॉर डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से डिजाइन किया है देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बना है वॉट आर द फंडामेंटल वैल्यूज इसकी फंडामेंटल वैल्यूज क्या है हाउ इट इज़ द प्रोवाइडेड अ गुड फ्रेमवर्क और ये गुड फ्रेमवर्क कैसे प्रोवाइड करता है फॉर वॉट द कंडक्ट ऑफ द एंटायर द लाइफ ऑफ दैट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइल्ड डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन मैं लड़ चुका हूँ हमेशा उस डोमिनेशन के खिलाफ और मैंने हमेशा जो लड़ा है वो एक काले गोरों की लड़ाई लड़ी है आई हैव cherished the idea of the democratic and the fair society with all the person live together इसमें सभी लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं in the harmony and with the equal opportunity इनके पास सभी के पास equal opportunity है it is an idea when you hope to the live for the achieve and birth the needed to be the idea for what I am the preparation to die मतलब मैं इसके लिए ही मरना चाहता हूँ दिस वॉज द नेल्सन मंडेला ये जो है ये शब्द किसके थे नेल्सन मंडेला के थे बींग ट्राइड टू द ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जिन्होंने वाइट साउथ अफ्रीकन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी एंड ही एंड अदर लीडर्स वर्क टू द सेंटेंस टू विद लाइफ एंड इम्प्रिजनमेंट 1964 ड्यूरिंग द अपोज ऑफ द एफर्टाइट एफर्टाइट के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी एंड रेजिम टू द ऑल द कंट्री हैव स्पेंड देयर 28 इयर्स ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड मोस्ट ऑफ द रिलेटेड पर्सन ऑफ आईलैंड स्ट्रगल अगेंस्ट द एफर्टाइट एफर्टाइट के खिलाफ साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी और वही एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया एफर्टाइट वॉज द नेम ऑफ द सिस्टम एफर्टाइट उस सिस्टम का नाम है विच रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन यूनिट टू साउथ अफ्रीका एंड द वाइट यूरोपियन इम्पोस्ट दिस सिस्टम इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरी एंड द ट्रेडिंग
company from the Europe occurs with the arms and the force in the way it occupied the India. But unlike the India, the large number of the white and the settled the South Africa and become the local ruler in the system is not the apartheid divided the people and the label them to the basic of their skin color, and the native people of the South Africa are the black in color. The South Africa they were black color ke the, and they made up the third fourth are the population with the call the blacks. The third fourth population ko black population kaha gaya. And beside these two group, in two groups ke alawa there were the people of the mixed races with their called the colored, and the people who migrate from the India, मतलब कि जो इंडिया से माइग्रेट करते कैसे वाइट वाइट इंफीरियर एंड वाइट डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट, इनके पास में वोट डालने का अधिकार नहीं था. इट्स एनफ फॉर टुडे.